अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास खोखर है और मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आई ट्रीट कैंसर पेशेंट्स और मैं इस वक्त इंचार्ज हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मिड सिटी हॉस्पिटल लाहौर एंड उमर हॉस्पिटल जेल रोड पे। As cancer specialist, I usually deal with most of the cancers. Pakistan में बहुत सारे cancers हैं, जैसे breast cancer is number one cancer in Pakistan in females. और हमारे पास ज़्यादातर cancer के patient जो breast cancer, colon cancer, lung cancer, इसके अलावा खून के जो सरतान में मुब्तला लोग हैं वो भी हमारे पास आते हैं और हम उनका इलाज करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड बल्कि पाकिस्तान में भी। ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज हो जाए तो इसका बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है, और अगर ये स्टेज वन और टू पे हो तो यूजुअली 5 ईयर सर्वाइवल इज़ मोर देन 90%। जहाँ तक सवाल है कि कितनी किस्म के कैंसर हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के मुख्तलिफ टाइप्स हैं और इनका इलाज मुख्तलिफ तरह की दवाइयों से होता है। इसके अंदर टारगेटेड थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं और इम्यूनोथेरेपीज़ जो कि लेटेस्ट थेरेपीज़ हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। एडवांस स्टेज डिजीज़ में अगर पेशेंट आ जाए तो आमतौर पे पेशेंट को कैंसर के इलाज के साथ साथ पैलिएटिव थेरेपी भी चाहिए होती है, जिसमें कि पेशेंट की दर्द का इलाज और उसके मुतालिका जो मजीद उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका इलाज है, जो हम बड़े अच्छे तरीके से अपने सेंटर्स पे उनका इलाज कर रहे होते हैं। ब्लड कैंसर के बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं। ब्लड कैंसर भी आमतौर पर या तो गिल्टियों की सूरत में नमूदार होता है, जिसमें हमारे गले में या और जिस्म के किसी हिस्से में गिल्टियाँ आ सकती हैं, या फिर ऐसे होता है कि ब्लड की जो ब्लड के हमारे पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। बहुत सारे ब्लड के कैंसर हैं जिनका इलाज मुमकिन है और उनके लिए लेटेस्ट थेरेपीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे ब्लड कैंसर हैं जिनमें टारगेटेड थेरेपीज चाहिए होती हैं और उनके लिए टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपीज़ हम पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से उनको इस्तेमाल करके उनका इलाज भी कर रहे हैं। लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह सिगरेट स्मोकिंग है। सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करके लंग कैंसर से बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी में लंग कैंसर आ जाए तो दुनिया में इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। इसके अंदर भी ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं जिसमें इवन एडवांस स्टेज के मरीज़ों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और उनके भी सर्वाइवल टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बड़ी आंत के कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है जी पाकिस्तान में। इसके सिम्टम्स में आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन या ब्लीडिंग पखाने के साथ खून आना शामिल हो सकता है, और इसमें आमतौर पर शुरू में सर्जरी करके इलाज किया जाता है और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो दवाइयों से भी इलाज किया जा सकता है। इसके बड़े अच्छे इलाज मौजूद हैं और हम इसका इलाज करके हमारे बहुत सारे मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ के साथ गुजार रहे हैं। कैंसर ट्रीटमेंट एक 360 डिग्री ट्रीटमेंट होता है जिसमें पेशेंट को हर तरह से सपोर्ट चाहिए होती है, इसलिए कैंसर ट्रीटमेंट में आम तौर पे टीम वर्क किया जाता है और इसमें मुख्तलिफ लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमारी टीम में हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, जिसके लिए अगर मरीज़ को किसी रेडिएशन की ज़रूरत है या किसी और फर्दर पैलिएशन की, पेन कंट्रोल की या इवन सर्जरी की ज़रूरत है, तो हम एज अ टीम काम करते हुए पेशेंट को अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बाद ओवेरियन कैंसर और गाइनी से मुतल्लिक कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें एंडोमेट्रियल और सर्वाइकल कैंसर भी शामिल है। इनके लिए आमतौर पर ऑपरेशन के बाद मरीज़ को शौक की या
कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है और इसके पेशेंट भी बड़ा इलाज के बाद बड़े अच्छे हो जाते हैं और उनके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज हैं जो ऐसे इलाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मरहम की एप्लीकेशन यूज़ करते हुए मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।